आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। ससुर जी ससुर जी ससुर कौन है भाई? आज तो मुझे शेर याद आ गया, वरुण और पलक की जोड़ी मुझे लगती है ऐसे ट्रक के नीचे आ जाए खरगोश का बच्चा जैसे। साइकिल का एक पहिया टैंकर का, शादी हो भी गई तो गाड़ी चलेगी कैसे? पलक, यू आर कॉलिंग डेविड सर ससुर जी। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से दैट? समझदार को इशारा काफी, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मैं समझदार के साथ डील तो कर ही नहीं रही हूँ ना। मेरे हीरो ये हैं, वन एंड ओनली वरुण धवन एंड ओनली। वरुण, ये सोशल वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन आपने पूरा का पूरा गांव ही गोद ले लिया। What is this? सर, मैं इस लड़की को जानता नहीं हूँ। कौन है ये लड़की? एक मिनट, आप मुझे नहीं जानते? मुझे ही नहीं जानते हैं आप? अरे, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दो ही तो कमाल के डांसर हैं, एक माधुरी दीक्षित और दूसरे प्रभु देवा। अब मैं जो भी हूं, लेकिन आप एक बार बस मुझसे शादी कर लीजिए ना, आप अच्छी तरह मुझे जान जाएंगे। अच्छा पलक, शादी करने से पहले लड़की में कुछ गुण होने चाहिए ना, गुणी लड़की होनी चाहिए। हम लोग लड़की में गुण तो कोई नहीं, गैस बहुत ज्यादा है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, दिखा दे, मतलब पता नहीं इसका एक फायदा, आप इससे शादी कर लेंगे ना तो आप समंदर में भी हनीमून मना सकते हैं। शी इज बहु कम पनडुब्बी, ये बिना सांस लिए 30 किलोमीटर तक तैर सकती है। पलक, तू बहुत हाई फाई लगती है। पता पिछली बार आज बड़ा ओ सॉफ्ट 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 बोल रही है तू आज? ओ, आज मेरी शादी है ना, तो शादी के दिन कोई भी लड़की इतनी जोर से चिल्ला के बात नहीं करती। तो वरुण से शादी करनी है पलक? हाँ। कहाँ पे जाएगी हनीमून पे वरुण को लेके? मैं हनीमून पे वील गो ऑन डिक्रूज। हम डिक्रूज पे जाएंगे और हमारे अगर बच्चे होंगे तो हम अपने बेटे का नाम रखेंगे हम इल, फिर उसे बुलाएंगे इल यहाँ आना। He is already married. किससे? अपने करियर से। नहीं नहीं, मुझे शादी करनी है। फॉर द रिकॉर्ड, आई डू वांट टू गेट मैरिड समडे एंड आई विल गेट मैरिड समडे। शादी मत कर, गर्लफ्रेंड मत रख, कुछ मत रख, तो करूँ क्या मैं? मतलब क्या करूँ मैं? एक सिंगल बंदा लड़की से प्यार नहीं करेगा तो क्या इससे करेगा क्या? मतलब क्या क्या करूँ मैं भाई? कहने का मतलब है मैं लड़की नहीं हूँ। दिख तो नहीं रही है तू, मतलब क्या बोलो अभी, तू उगलवा रही है मुझसे। अच्छा सॉरी। अरे रो नहीं रही, नाक साफ कर रही है। पलक सर बताओ, छोड़, उसकी सांस नहीं आ रही, छोड़ क्या कर रही है पलक? मुझे छोड़ना पड़ेगा अभी भाई, थोड़ा अभी तैयार हो क्या? ये कैसे कर? देख पहले तेरा ट्रायल होगा, देख डेविड सर सामने बैठे बिना ऑडिशन के, ना किसी को हीरो लेते ना हीरोइन, ना किसी को बहू लेंगे जी। पहले ट्राई करते हैं कि तू सही बहू बनेगी कि नहीं। वरुण बैठे जरा। हाँ सर। मान ले वरुण सो रहा है घर पे, सुबह सुबह तुझे आके उठाना है प्यार से, चेक करते हैं तो तू कामयाब है कि नहीं। सुबह का टाइम है, ओके? हाँ। गरम गरम चाय। उठाना प्यार से पलक। अरे बेवकूफ, प्यार से उठाना, नींद से उठाना है। आप हाथ में उठाना है? ओ ऐसे उठाना है, मतलब नींद से उठाना? हाँ, मुझे लगा उठाना। नींद से उठाना है। अच्छा नींद से उठाना है। बचपन में मेरी मम्मी जैसे मुझे उठाती थी ना, मैं उस तरीके से उठाऊंगी। तो तू मेरी मम्मी बन रही है, बीवी बन रही है? नहीं, मैं वो तरीका खाली कॉपी करूंगी, मेरी मम्मी जैसे उठाती थी। ओके, आप एक बार सोइए ना। अभी सो जा, वरुण सो रहा है। सो जा भाई। हाँ अब देखिए मैं उठाती हूँ, प्यार से उठाना जाके। हाँ वरुण की शादी लड़की से हुई, गुरिल्ला से नहीं। ये क्या कर रही हूँ?
ये कोई तरीका है उठाने का? ए, टार्जन, टार्जन की माँ है तू? मेरी मम्मी ऐसे बताती थी ना। अरे तेरी मम्मी है कौन यार, दिखा दे, किधर है मम्मी तेरी? टार्जन अभी घर पे सो रही है। अरे तो तू जाके ऐसे ही उठाएगी उसको? देख मतलब तेरा कुछ नहीं होने वाला जब वरुण के पास इतना ब्यूटीफुल ऑप्शन है तेरे पे, क्यों तेरे से शादी करेगा बता दो। क्यों करेगा? क्योंकि मैं इतना अच्छा कमाल का डांस कर लेती हूँ, क्या ये ऐसा डांस कर सकती है? दिखा डांस, चलो हाँ तो देखेंगे ना, चलो फिर फेस ऑफ हो जाए, आपको भी डांस करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं ना कंपटीशन, तो कर लेते हैं कंपटीशन। हो जाए, हो जाए, आइए चलिए हो जाए फिर। कम ऑन, जोरदार ताली एक बार। म्यूजिक दीजिए प्लीज। कंपटीशन कौन जीता? क्या आप जीत गए? कंपटीशन आप जीत गए, ले लीजिए प्लीज। आपके सामने तो मैं डांस ही नहीं कर पाया यार। थैंक यू, थैंक यू, मैं जीत गई। हाँ तुम जीत गई, तेरे चक्कर में कोई हीरोइन डांस करती नहीं, इसीलिए कि तेरे नीचे ना आ जाए कोई नाचते ना। आप लोग बैठिए ना, बैठिए बैठिए। मैंने ना मैंने बातों बातों में भूल ही गई कि मैं ससुर जी की भी इतनी बड़ी फैन हूँ ना। ससुर जी के लिए मैंने एक शेर वैसे मैं तैयार करके नहीं आई थी, मतलब मैंने रेडी नहीं किया था, लेकिन क्या है कि मेरा माइंड एकदम फास्ट चलता है, तो मैं फास्ट फास्ट अपने दिमाग से ना शेर बना लेती हूँ। सुनाइए। अर्ज किया है, आपके बेटे को देख के मेरे दिल के सोए अरमान जगे। आहा, पलक तो अभी जाएगी कि तू अभी तंग कर रही है? और नहीं मैं थोड़ी सी और बातें करना चाह रही। एक सेकंड। हेलो, क्या हुआ? गली में कोई कुत्तों को बिस्कुट डाल रहा है? पहले क्यों नहीं बताया? सर अब तो मैं सॉरी बोल बोल के थक गया हूँ। वरुण आपको पता है हमें कब से लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम लोगों को मैसेज करते हैं कि कॉल वरुण, द कॉल इलियाना। और डेविड सर आप यहाँ पे हैं तो आप अपने बेटे की लाइव फैन फॉलोइंग देखिएगा अभी यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे लोग मौजूद है, आप एक एक करके अपने सवाल इनसे कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? व्हाई यू सो लेट? हेलो, हाय, हेलो डेविड सर, हेलो इलियाना, हाय वरुण, हाय हाय। हाय, माय क्वेश्चन इज फॉर वरुण। वरुण यू हैव इंप्रेस्ड सो मेनी गर्ल्स लाइक विथ योर डांसिंग, एक्टिंग, लुक्स, बॉडी, एवरीथिंग। इफ आई हैव टू इंप्रेस यू तो आप क्या आप चाहेंगे कि मैं करूँ और आप इंप्रेस हो जाए? वाओ, पहली बात तो ये कि अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो आपको बदलना नहीं चाहिए। The way you are, I think you're very, very pretty. आपके बाल बहुत अच्छे हैं। Thank you, thank you so much. चलो आपको एक कहने का मतलब लड़की के ये सवाल पूछने का मतलब है कि आप अपनी होने वाली वाइफ में क्या देखते हैं, क्या देखना चाहेंगे? डेविड सर भी बैठे, आज फैसला हो ही जाए। इनके सामने नहीं पूछना क्या? फिर क्या हुआ? अरे खुल के बताइए, यही तो करवाएंगे शादी, बजट तो चेक तो यही साइन करेंगे ना। अभी काम कर लें दो इसको, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। आपको पता है शादी में जब आपने पता नहीं यहाँ पे रिवाज है कि नॉर्थ में ना जब शादी होती है ना दूल्हे का बाप जो है पैसे लुटाता है बाहर, लाल रंग की छोटी सी थैली पकड़ी होती है। मैंने बड़ी बार पूछने की कोशिश की ये क्यों लुटाते हैं, बाद में पता चला ये गुस्से में लुटाते हैं। सारा तो खर्च हो चुका होता, थोड़े से बचे कहते ये भी रख ले। आपका नाम क्या है? सॉरी, नुसरत। नुसरत, यू हर्ट मी नुसरत। आपने किस इधर फेंका? हाँ, इंप्रेस मुझे किस क्यों नहीं दिया नुसरत? कैसे होती है? अच्छा थैंक यू, हर्ट मी नुसरत। नुसरत उसको तेरे लिए नहीं है। व्हाट इज दिस? कम ऑन टेल मी फ्रैंकली, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? कम ऑन, आर यू मैरिड नुसरत? नो नो, नॉट एट ऑल। ये बाली आपने इधर क्यों पहनी हुई है? ये आंख पे ताला लगाया, आंख निकल के बाहर चली जाती थी। मारने की बहुत आदत है ना। क्या बात कर रही है? तो मम्मी ने पनिशमेंट के हिसाब से पिना। तो अभी भी आदत याद है कि भूल गए? नहीं एक मिनट एक मिनट, ये घर में दुनिया में दो लोगों का बड़ा फैन हूं, नुसरत फतेह अली खान साहब का, दूसरा नुसरत का। ये हमेशा होता है, मैंने देखा है जब भी हीरो आते हैं तो उनके फैन होते हैं, तो क्या होता है अंत में क्या होता है वो लोग कपिल के फैन हो जाते हैं। पर मैं ये होने नहीं दूंगा सर, मेरे गिन चुन के छोटे। नुसरत यू हर्ट मी, थैंक यू नुसरत। ऐसी फैन हो तुम, बदल चलिए चलिए भाई, हंसी मजाक बाद में करेंगे, इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ शो।
बहुत अच्छा। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश गोयल है। नीलेश गोयल जी, नीलेश जी, मेरा क्वेश्चन वरुण जी से है। हाँ जी। मेरी भी रिसेंटली मैरिज हुई है। सडनली? या रिसेंटली। हमने अपनी शादी में मैं और मेरी वाइफ ने आपकी मूवी के गाने डिस्को दीवाने पे एक गाना डांस किया था। अरे वाओ। सो आई वांट टू कम ओवर देयर एंड आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। इस सेम चीज़ प्लीज मैं देखना चाहूंगा। पहले आप लोग ने वाइफ ने ठीक नहीं किया था जो वरुण के साथ करना चाहते थे। वाइफ भी आई है आपके साथ में? हाँ जी। कहाँ है? वाइफ भी है, डेड वाइफ है। डेड वाइफ मतलब इधर साली बैठी है आधी और इधर पूरी घरवाली। तो अपनी जो पूरी वाली वाइफ उनके साथ आपके आप आधी पूरी डेढ़ के साथ आइए ना। आइए मैडम। देखिए मैं यही बात आपको समझा रहा था कि आपकी शादी को कितना समय हुआ अभी? 3 महीने करीब। 3 महीने? आप ऐसे कूद के क्यों हैं? यहाँ पे कुछ रस्सी लगी हुई है। आप करते क्या नीलेश जी? आप मैं PhD स्टूडेंट हूँ IIT बॉम्बे में। अभी पढ़ रहे हैं आप? हाँ जी। तो इतनी क्या जल्दी पड़ी थी आपको? PhD कर लेते आप। तो आपकी वाइफ भी स्टूडेंट है अभी? नहीं, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर PhD। उसने PhD कंप्लीट कर ली है। अच्छा, इन्होंने PhD कंप्लीट कर ली है? कर ली है। और आपकी हो रही है? हो रही है। तो आपका ध्यान लड़की की तरफ होगा ना, तभी पीछे रह गए आप।